हे फ्रेंड, आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल वॉच कैसे प्रिपेयर होगा। देखिए कि यहाँ पर डिजिटल वॉच आया है जो वर्क नहीं कर रहा है। फिलहाल में हम पहले इसका बैकअप सेल चेक करेंगे, जो बैटरी लाइट कटने के बाद भी बैकअप हमारी देती रहती है। ये दो सेलों की वजह से बैकअप हमारा बना रहता है। उसके बाद ये सेल हमारे सब सही है। अब इसको एक बार हम टेस्ट करेंगे टेस्ट लैंप की सहायता से। कोई भी सर्किट, हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी सर्किट पर फॉल्ट हो तो हम उसे टेस्ट लैंप से ही चेक करना चाहिए। ओके, यहाँ पर टेस्ट लैंप, देखिए टेस्ट लैंप से हमने चेक किया, यहाँ का सर्किट कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब देखते हैं सारे स्क्रूज को खोल के ओपन करके अंदर फॉल्ट क्या है। खोलते वक्त ध्यान दें, जब सारे स्क्रू खोल दे तो नीचे कांच लगा हुआ उसको ध्यान से खोले, नहीं तो कांच टूट सकता है और इसके कांच जल्दी मिलते नहीं है। ये ध्यानपूर्वक इसको हटाएं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डिजिटल वॉच पूरी तरह से ओपन हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे कहाँ से हमारा फॉल्ट है। वो चेक करते वक्त मल्टीमीटर से चेक करते हैं क्या फॉल्ट है। अभी तो पहले सेल को एक बार टेस्ट करेंगे बोल्ट पर लगा के, जो हमारा बोल्ट हम देखते हैं जो बैटरी हमारी लगी है उसके बोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। देखिए बोल्ट सब आ रहे हैं, यहाँ पर ओके है। उसके बाद हम सर्किट को चेक करेंगे। सर्किट यहाँ पर ध्यान दें, सर्किट खोलते वक्त देखें कोई भी फॉल्ट वाली सर्किट को खोलते वक्त उसको डिस्चार्ज कर लिए, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होने से हमें शॉक लगने का खतरा बना रहता है। अब डिस्चार्ज करने के बाद हम उसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पर कनेक्टर भी निकाल लेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, ये सर्किट हमारा एक चार्जर टाइप सर्किट है। यहाँ आउटपुट जो हमारी सप्लाई आ रही है 5 वोल्ट ही आ रही है। अब सारे कनेक्टर वगैरह निकाल कर हम एक बार सर्किट को आसानी से चेक कर लें। यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्टली हमको सर्किट तो हमारा फॉल्ट है क्योंकि हमने टेस्ट लैंप से चेक ही किया था। फिलहाल अब जो हमारा कनेक्टर उसको आउट कर पावर बैंक से हम टेस्ट करेंगे कि हमारा सर्किट चल रहा है, क्योंकि ये जो हमारी डिजिटल वॉच है 5 वोल्ट से ही चल रहा है। आप इसको अगर वायरलेस बनाना चाहते हैं तो एक पावर बैंक या कोई सेल जो लिथियम हो, लिथियम आयन 3.5 वोल्ट, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, वो भी चल सकता है। ये बैटरी से ऑपरेट हो सकता है या वायरलेस भी ये काम कर सकता है। यहाँ पर भी हम सारे सोल्डिंग करने के बाद आप पावर बैंक को लगा कर दिखाएंगे। देखिए पावर बैंक से लगाने के बाद ये स्टार्ट हो गया घड़ी, और डिजिटल वॉच तो पूरा ओके है। यहाँ पर ज़्यादातर ही सर्किट में ही प्रॉब्लम आता है। ये एक आपके पास कोई सर्किट अगर हो ना तो आप चार्जर का ही सर्किट लगा देते हैं, जो जिससे हमारा मोबाइल चार्ज होता है, पुराने सर्किटों को यूज़ कर सकते हैं। ये हम चेक कर लिए, इसको रिसेट वगैरह सब सारी करके सारे सब सिस्टम सही है। सर्किट को चेक किया है और उसमें फॉल्ट ये है, फ्यूज रजिस्टर जो हमारा लाइन सप्लाई में लगा होता है वो फ्यूज जल पड़ा है। अब उसको चेक करने के बाद हम एक बार ट्राई करेंगे ये हमारा सही होता है कि नहीं। सो टेस्ट लैंप से हम डायरेक्ट भी बाईपास करके चेक कर लेंगे। सोल्डिंग करके एक बार हम कनेक्टर को देखते हैं, सोल्डिंग करके देखते हैं। यहाँ पर हमने सोल्ड किया, अब टेस्ट लैंप के से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर बाईपास कर फ्यूज रजिस्टर से बाईपास करके चेक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। हमको ये सर्किट चेंज करना पड़ेगा। सर्किट बदलने से पहले एक बार हम सारे की चेक कर लेंगे, कभी कभी की में भी फॉल्ट होता है। यहाँ पर देखिए सारे की काम कर रहे हैं, बट हाँ सेट की नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर सेट की बहुत ज़्यादा प्रेस करने पर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। हो सकता है कार्बन पकड़ा हो, एक बार इसको थीनर से साफ करने पर हो सकता है वर्क करने लगे। यहाँ पर पहले अनस्क्रू करते हैं इसे। सर्किट को एक बार थीनर से साफ कर लिया अच्छी तरीके से। यहाँ पर ध्यान दें कि घड़ी जो है हमारे डिजिटल वॉच उसको ऑफ कर ही या काम करें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का सर्किट खतरा हो सकता है। ये की जो बार बार प्रेस करने की वजह से कार्बनाइज हो जाते हैं या की कभी फॉल्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसको अगर आपका काम नहीं कर रहे ये तरीके के बाद तो आप उसको सीधे की को चेंज कर दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए अभी हमने रिसेट दबा, अब देखिए आप देखिए ये वर्क कर रहा है अच्छी तरीके से। अगर आप कभी फॉल्ट ना जाए इससे तो आप सीधे की ही चेंज कर दीजिए, इससे आपका ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि सेट की हम इसे कभी कभी टाइम ख़राब हो जाता है, सेल ख़त्म हो जाने के बाद सेट की ज़्यादा ही यूज होता है, इसके लिए वो फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको शॉप से सर्किट मिल जाए तो सर्किट को ही डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। हमें यहाँ पर सर्किट नहीं मिला तो एक अडाप्टर हम लेकर इसको सर्किट ही लगाएंगे, क्योंकि अडाप्टर से ये चल रहा था वॉच। एक बार टेस्ट कर ले, जो इस अडाप्टर को चेंज करना है आपको उससे टेस्ट करके ही डिजिटल वॉच को लगाएं वहाँ पर, क्योंकि आप अडाप्टर एक बार ओपन कर देंगे तो उसकी गारंटी वारंटी सारी ख़त्म हो जाती है। तो पुराना अडाप्टर पड़ा था हमारा जिसका यूज़ कर रहे हैं, एक हम नया वायर इसमें इंस्टॉल करेंगे क्योंकि पुराने वायर कट चुके थे, ख़राब हो चुके थे। ये देखिए नया किसी भी शॉप से आप तो ये आसानी से मिल जाएगा वायर, इसको इंस्टॉल कर सारे सेट कर एक बार हम ऑन करते हैं।
एसी और डीसी लगाते वक्त ध्यान दें, जहाँ से वायर जो निकल रहे हैं वहाँ पर ही लगाएं। यहाँ पे एसी का वायर हमने निकालते वक्त देखिए यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के सामने बना है, वहाँ पर वायर निकाल कर डायरेक्ट उस पिन को लगा दें। फिर यहाँ पर लगाने के बाद डीसी जो कनेक्टर है हमारा जो वाच में जा रहा है उसको लगाकर एक बार टेस्ट कर लें कि हमारा 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं। डीसी वोल्ट मीटर को वोल्टेज 20 पर सेट करके एक बार टेस्ट कर लें। यहाँ पर टेस्ट लैंप से फिलहाल मैं चेक कर रहे हैं सर्किट को। यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, जिस आउटपुट पर 5 वोल्ट आ रहा है वहाँ पर लगा दिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है एक, उसमें माइनस एक प्लस होता है, वहाँ फिल्टर के लिए लगाता है, और वो भी नहीं रहता है तो वहाँ पर आप डायोड देख सकते हैं, डायोड एनोड कैथोड के हिसाब से आप वहाँ पर चेक करते हैं। सबसे आसान मेथड है मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए, अगर नेगेटिव में लगेगा तो माइनस दिखाएगा, पॉजिटिव में लगेगा तो प्लस 5 वोल्ट दिखाएगा। सर्किट को डबल साइडेड टेप से पेस्ट कर ले, और यहाँ पर हॉट ग्लू गन का स्टिक भी आप यूज कर सकते हैं सर्किट को पेस्ट करने पर, क्योंकि ये हीट होने पर ये जो हमारा सर्किट है निकल जाएगा। पहले सर्किट तो स्क्रू हुआ था पर इसमें स्क्रू का कोई भी समाधान नहीं पड़ा, तो इसको हमने पेस्ट करने का ही, इसको फिक्स करने के लिए एक हीटसिंक ग्लू का यूज करें। जो जो कनेक्टर पॉइंट है वहाँ पर हीटसिंक ग्लू का ये छोटा पीस मैंने लिया है वाइट कलर का आप जो दिख रहे हैं, उसके कनेक्टर पॉइंट पर हमें इसको लगा देना है जिससे हमारा वायर ढीला ना हो। सर्किट जो डिजिटल वॉच का सर्किट और चार्जर सर्किट है दोनों आपस में फिक्स करें ये ग्लू की मदद से, सोल्डिंग के सहायता से करेंगे तो आपका जो स्टिक ग्लू है बहुत कम अमाउंट में यूज़ होगा और कम अमाउंट में अच्छे तरीके से पेस्ट भी होगा। यहाँ पर देखिए पहले वायर पर यूज़ किया है, दोनों वायर पर यूज़ करने के बाद फिक्स हो जाएगा। कनेक्टर पर यहाँ पर देखिए सारे हीटसिंक ग्लू से हमारे पेस्ट हो गए हैं, कनेक्टर को भी एक बार पेस्ट कर दें जिससे कभी भी घड़ी कनेक्टर झटके लगने पर भी ना निकले। सारे होने के बाद फाइनल टेस्ट किया, यहाँ पर फाइनल टेस्ट में ओके था। अब इसके ऊपर हम मिरर लगाएंगे और सावधानी से मिरर लगाएं क्योंकि मिरर अगर क्रैक या फूट जाएगा तो जल्दी वो मिलेगा नहीं। यहाँ पर देखिए कंपनी दो टेप आ रहा था, हमने सेलो टेप से सारे फिक्स किया और सारे स्टिकर को निकाल कर साफ भी किया, जो रेड कलर का आप देख रहे थे फिल्म में स्टिकर को साफ किया। ये देखिए सारा काम होने के बाद वॉच का लुक अच्छा लग रहा है, पहले का पीछा उसके अंदर डस्ट जमा था जो साफ़ करने के बाद अच्छा दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं फाइनली वॉच बन के रेडी हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।